नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लास में। आपने पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने उसमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सभ्यता होती क्या है, कहां पर स्थित थी, इसकी खोजबीन कैसे हुई, कहां तक फैली हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अभी अपने इस वीडियो में इस सभ्यता के नगर व्यवस्था, क्योंकि यह जैसा कि मैंने बताया था एक नाम इसका नगरीय सभ्यता भी है, तो इस सभ्यता के नगरों के बारे में पढ़ेंगे। यह जो सभ्यता है उसके नगर आज के आधुनिक नगरों के सम्मान ही फैशनेबल मॉडर्न टाइप के जो व्यवस्थाएं हैं, नई टेक्निक्स जो आज अपने यूज़ करते हैं, बड़े बड़े शहरों में आज जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें उन्होंने अपने टाइम के लेवल के अनुसार एडवांस तरीके से डेवलप की थी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा नगर व्यवस्था। तो सबसे पहले अपने नगरों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब नगरों के बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये लोग किस प्रकार के थे। अपने जब पढ़ रहे थे तब यह प्रश्न जरूर होगा कि इस सभ्यता की शुरुआत किसने की होगी, या कौन से वो लोग होंगे जो यहाँ पर आकर बसे होंगे, जिन्होंने इसको डेवलप किया, इतना ज़्यादा इसका विकास किया। तो इस बात के लिए क्या है, अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग क्या है अपने विचार रखते हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी थ्योरीज हैं कि किस किस प्रकार की जातियाँ यहाँ पर रही होंगी। सबसे पहली बात जो सबसे सर्वमान्य चीज़ है, यहाँ पर मिश्रित जनजीव या मिश्रित लोग रहते होंगे या मिश्रित जातियों के लोग रहते होंगे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग रहते होंगे, ऐसा क्या है दूसरा सिद्धांत जो है वो ऐसा मानता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भूमध्य सागरीय नस्ल ही क्या है, द्राविड़ लोगों को या द्राविड़ नस्ल के जो लोग होते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना एक और रहता है थ्योरी कि शायद जो ऋग्वेदिक आर्य थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ऋग्वेदिक आर्य, ठीक है। अब यह चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के टाइम पीरियड की मानी जाती है हमेशा से ही, लेकिन ऋग्वेद का काल क्या है, वैदिक सभ्यता के मुख्य भाग से थोड़ा पहले का है, ठीक है। इसीलिए ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा भी क्या है इस सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। हो सकता है उस समय ऐसा वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ ऋग्वेदिक लोग आर्य भी रहते होंगे, द्रविड़ रहते होंगे, या फिर मिश्रित प्रकार की जातियाँ रहती होंगी। अब इसको एक और थ्योरी दी जाती है कि ऋग्वेदिक ये द्रविड़ लोग क्यों माने जाते हैं, मिश्रित का तो चलता है कि मिश्रित लोग रहते होंगे। इस सिद्धांत के बारे में अपने क्या पता लगा सकते हैं कि मिश्रित लोग रहते होंगे क्योंकि काम की तलाश में, जैसा कि मैंने बताया आधुनिक नगर थे, व्यापारिक नगर थे, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ट्रेडर्स थे, वॉरियर्स नहीं थे, तो व्यापारी लोग थे, तो यहाँ पर काम की तलाश में अलग अलग जगह से लोग आकर बसे होंगे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मिश्रित जातियाँ रहती होंगी। दूसरा, भूमध्य सागरीय नस्ल या द्रविड़ लोग, इसके लिए ऐसा माना जाता है कि जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान के अंतर्गत, जो बलूचिस्तान है वहाँ की जो भाषा है उस भाषा के कारण, जो भाषा है क्या नाम है उसका, ब्राहुई भाषा जो है बलूचिस्तान के लोगों की, वह उन द्रविड़ लोगों की भाषा के लगभग समान है, भाषा के समान है। आई एम रिपीटिंग, तीन प्रकार की जातियों के बारे में मतभेद चलता है, मिश्रित जाति काम के लिए आके बसे होंगे, दूसरा भूमध्य सागरीय जाति या द्रविड़ जाति, जो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि बलूचिस्तान की बोले जाने वाली स्थानीय भाषा ब्राहुई के समान होने के कारण द्रविड़ लोगों की प्रधानता मानी जाती है, ठीक है। ये सब तीनों ही सिद्धांतों को क्या है लगभग बराबर के मत मिले हैं, लेकिन अभी भी इन सभी में क्या है कोई फिक्स नहीं कर पाया है कि कौन सी जाति रही होगी। हालांकि जो ज़्यादातर शव मिले हैं, शव का मतलब जो कंकाल मिले हैं, उन कंकालों के अंतर्गत जो पता लगाया गया है डीएनए के द्वारा वो भूमध्य सागरीय नस्ल का के बारे में बताते हैं,
यह तो हो गया कि बसाया किसने था। अभी बात कर लेते हैं अपने कि इनके नगर कैसे बसे हुए थे। नगर इन्होंने क्या है, पूरी प्लानिंग के तहत बसाए थे। प्लानिंग का मतलब पहले इन्होंने क्या है, कोई नगर बनाने से पहले उसकी योजना तैयार की। जैसे आमतौर पर आप देखते हो आजकल जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था कि हाँ भाई जितने कमरों की ज़रूरत है वो कमरे बना दिए, फिर अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके अनुसार टाइम टू टाइम बनाया करते थे पहले। अभी क्या है, पहले प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पर रसोई होगी, कहाँ पर कमरे होंगे वगैरह वगैरह चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। उसी प्रकार से यह लोग जो हैं उन्होंने पहले योजना बनाई कि शहर में कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, और उसके आधार पर, उस प्लानिंग की उस योजना के आधार पर क्या है, इन्होंने अपने नगरों का निर्माण करना शुरू किया। सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने निश्चित योजना बनाई, उसके बाद नगरों को योजना बनाकर बनाना शुरू कर दिया। अब मुख्य नगरों में अपने नाम पढ़ें तो सबसे पहले नाम आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। पहली चीज प्लानिंग के तहत जो पहली चीज उन्होंने सोची वह क्या है, जल व्यवस्था। जल व्यवस्था यानी जल की आपूर्ति क्या है, समय से उनको होती रहे, पानी की कमी ना हो। इसीलिए दोनों ही शहर क्या है, नदी के किनारे बसाए गए। नदी कौन सी है, हड़प्पा के लिए मैंने बताया था रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो के लिए मैंने बताया सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, नदी के पास बसाया ताकि फसलों के लिए, अपने दैनिक यूज के लिए, दैनिक उपयोग के लिए यह क्या है, समय पर पानी को पूर्ति कर सके। ठीक है, पहली जल की व्यवस्था हो गई। दूसरा अगर अपने देखें तो इन नगरों को बसाने का जो बेस्ट स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर था इन शहरों की सड़कें। दूसरा क्या है अपना, सड़कें। इन्होंने नगर को बसाने के लिए, नगर को बसाने का मतलब घरों को बनाने से पहले इस नगर की क्या है, सड़कों को तैयार किया। सारी की सारी जो सड़कें थी, मतलब मोस्टली सड़कें जो थी वो क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे, समकोण पर। समकोण जानते हो आप, 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर। चौराहा बनता था, समांतर चलती थी। ठीक है, प्रत्येक शहर की सड़क जो है वो पूर्व से पश्चिम, ओबीसी बात है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को काटती हुई बनाई गई। तो पहले क्या है, सड़कें बनाई गई, उसके बाद उसके आसपास मकान बनाए गए, जो सहायक सड़कें हैं, गलियां हैं वो बनाई गई। तो आधार क्या रहा नगर बनाने की योजना का, सड़कें। ठीक है, वेल प्लान थी इसीलिए संपूर्ण बनाया है, ऐसे नहीं है कि आड़ी टेढ़ी गलियां कहीं से भी कैसी बना दी। अब पहली चीज़ आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है, व्यापारी थे तो व्यापारी लोगों को क्या है, यातायात करना पड़ता है, भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो सड़कें भी क्या होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। और यह खासियत यहाँ के नगरों की सड़कों में दिखाई देती है। सबसे मुख्य जो सड़क है, देखिए सड़कों को भी अपने बांट के रखेंगे, मुख्य सड़क, ठीक है, उसके बाद सहायक सड़कें, सहायक सड़कें, और उसके बाद गलियां। आमतौर पर आजकल भी ऐसा ही होता है, कुछ मुख्य सड़कें होती हैं, मुख्य राजमार्ग होते हैं, और कुछ उनकी सहायक सड़कें होती हैं, और फिर आती हैं बारी गलियों की। ठीक है, सहायक या मुख्य सड़क जो थी वो लगभग 33 फीट चौड़ी थी, 33 फीट चौड़ाई थी। इसका मतलब क्या है, यातायात या ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय होता था। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा कि जो सामान का आदान प्रदान होता था, इतने बड़े व्यापारिक नगर हैं मेसोपोटामिया या बाकी सभ्यताओं के साथ इनके व्यापार थे दूर दराज क्षेत्रों तक, तो जाहिर सी बात है कि
आमतौर पर ज़्यादा व्हीकल्स उस टाइम के जो व्हीकल्स होते थे वो यूज लिए जाते होंगे, ठीक है, इसीलिए बड़ी बनाई गई है जो मुख्य सड़क है वो। उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं सहायक सड़कों की, तो यह भी क्या है, लगभग 18 फिट 9 फिट से 18 फिट चौड़ी हुआ करती थी। 9 से 18 फिट चौड़ी सड़कें होती थी सहायक सड़कें में, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को बनाने से पहले इन्होंने क्या है, भविष्य की योजना तैयार की है, भविष्य के बारे में सोचा है कि भविष्य में क्या है, जैसे जैसे हमारा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमारे काम आने चाहिए। ये नहीं है कि एक टाइम के लिए बनाया, उसके बाद उसको उसके बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसा इन्होंने नहीं किया। अपने नगरों को सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके से इन्होंने बसाने का प्रयास किया। अब ये तो बात हो गई सड़कों की, लेकिन सिर्फ सड़कें क्या है, एक शहर को आधुनिक नहीं बनाती हैं। सिर्फ सड़कें एक शहर को आधुनिक नहीं बनाती हैं, उसके लिए हमें देखना होता है उस शहर की जल निकास व्यवस्था। जल निकास व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आधुनिक रूप का ही है। जैसा कि आजकल अपने देखते हैं सिविल लाइंस बिछाई जाती हैं सड़कों के नीचे से, क्या है, शहर की गंदगी को निकाला जाता है, वही तरीका या कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला तरीका आज अपने यूज़ कर रहे हैं, जो उस समय उन्होंने, ठीक है, 2600 साल पहले जो यूज किया था तरीका, सॉरी 2600 ईसा पूर्व पहले जो तरीका यूज किया गया था वो आज भी अपने आधुनिक शहरों में देखा जा सकता है। जयपुर, चंडीगढ़ या जो भी कोई भी आधुनिक शहर जो वेल प्लान तरीके से बसा हुआ हो, उस शहरों में जल निकास व्यवस्था जो है वह सिंधु घाटी के जल निकास व्यवस्था के बिल्कुल समान है। क्या करते थे वो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने शहरों को बसाने से पहले किसका निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया। अब उन्होंने जब सड़कें बनाई थी या उसकी प्लानिंग की, उसका डिज़ाइन बनाया, उसी समय उन्होंने क्या है, इन सड़कों के लिए एक व्यवस्था की। इन सड़कों के बीच से उन्होंने क्या है, नालियां निकाली। अब बीच से का मतलब ये नहीं है कि सड़कों के बीच में नालियां हैं, इसका मतलब ये है कि सड़कों के नीचे से ये नालियाँ निकाली गई थी, अंडरग्राउंड, ठीक है। अब सिस्टम क्या रहेगा कि घर हैं, घरों से नालियाँ क्या है, इन गलियों की नालियों से क्या रहेगा, घर, घर से गली की नाली में जाएगा पानी। ये नालियां कहाँ, सहायक सड़कों के नीचे जो नालियां बनी हुई है उसके अंदर पानी जाएगा, और उन सहायक सड़कों की सहायता से अंडरग्राउंड क्या है, शहर से बाहर पानी निकाल दिया जाता था। यहाँ से घरों से सहायक सड़कों में, सहायक सड़कों से अंडरग्राउंडली पानी बाहर। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसके अलावा जो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, बीच में सीवरेज बनाया हुआ है, तो उन सीवरेज में जगह जगह पर क्या है, गड्ढे बना दिए, सोक पिट्स। सोक पिट्स का मतलब है शुष्क कूप, शुष्क कूप। यानी अगर आप नोटिस करेंगे कि जब पानी बहता है या घर का कचरा निकलता है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पानी होता है, गंदगी भी होती है, सब्जियों के छिलके वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, कंकड़ पत्थर भी चले जाते हैं, घर की गंदगी भी होती है, तो उन चीज़ों को भी क्या है, पानी एक साथ बहाकर तो नहीं ले जा सकता, धीरे धीरे वो हो सकता है उस सीवरेज में जम जाए, जिसके कारण वो सीवरेज बंद हो जाए, ठीक है, तो इनकी पूरी व्यवस्था ही उलट पुलट हो जाएगी, दोबारा से सड़कों को निकालना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन गड्ढों को क्या कर दिया, इन गड्ढों के अंदर वो जो कचरा है वो डंप हो सके। जैसे मान लीजिए ये सीवरेज है और यहाँ बीच में एक गड्ढा बना दिया, फिर आगे सीवरेज, फिर एक गड्ढा, ऐसे चलता जाएगा।
अब होगा क्या, जब पानी यहाँ आएगा कचरा बहाकर अपने साथ लाएगा, तो जो जितना कचरा यहाँ पानी के साथ आ रहा था वो इसके अंदर डंप हो जाएगा, चला जाएगा, और उसके बाद आगे बाकी का कचरा जाएगा या पानी जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो गड्ढे भर जाते थे। तो अब पूरे सीवरेज को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसको साफ़ करने की ज़रूरत है, इस गड्ढे को साफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जो प्लानिंग की गई है उसमें हर चीज़ के बारे में पहले से सोचा गया है कि किस चीज़ को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इतनी आधुनिक इनकी मॉडर्न जो है जल निकास व्यवस्था हुआ करती थी, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या है बाकी है कि ये जो नालियाँ बनाई गई थी ऐसे नहीं है कि खुली छोड़ दी गई हैं। ठीक है, अगर खुला ऐसे पानी छोड़ दिया जाएगा सड़कों के बीच में तो फिर आने जाने के वालों को प्रॉब्लम होगी, व्यवस्था ठीक होगी कैसे। इसीलिए इनको क्या है, ईंटों या पत्थर की पट्टिकाओं से क्या कर दिया जाता था, पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था। क्या क्या किया है, ईंटों से या पत्थर की पट्टियों से ढक कर इनको रखा जाता था नालियों को, ताकि एक तो क्या है मच्छर न पनपे, गंदगी न फैले, आने जाने वालों को कोई समस्या ना हो, यातायात को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले सड़कें बनाई गई हैं, उसके उनको पक्का करने से पहले या उनको बंद करने से पहले या सुचारू रूप से शुरू करने से सड़कों से पहले क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है पानी को निकालने के लिए और उनको ढक दिया गया है। अभी बात करते हैं अपने इनके बनाए हुए घरों की। ठीक है, यानी सड़कें बन गई हैं, जल निकास व्यवस्था हो गई है, पानी आएगा वो भी व्यवस्था हो गई है। ठीक है, पानी की एक और भी व्यवस्था ये रखते थे, जैसा कि पता है कि आसपास नदियां हैं तो क्या है भूमि जो है उसके अंतर्गत भूमिगत जल जरूर मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर वहाँ होगा ही होगा, और नदी बह रही है तो मीठा पानी होगा। तो इसी कारण से शहरों में क्या है हर जगह लगभग बहुत सारे कुएं मिले हैं। पहली बात तो लगभग प्रत्येक या हर एक घर में क्या बना हुआ है, एक कुआ अवश्य बना हुआ है। कुछ बड़े कुएं हैं वो सामूहिक रूप से भी बने, सामूहिक लोगों के लिए भी बने हुए हैं, उन पर रस्सी के निशान मिलते हैं, इसका मतलब अवश्य ही उनको यूज किया जाता था। ठीक है, पक्के किए हुए कुएं होते थे, ये उनको पानी की आपूर्ति के लिए काम आते थे। अभी अपनी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के मकानों की या इनके घरों की। अब जब अपने घरों की बात कर रहे हैं तो घर बनाने के लिए इन्होंने क्या है ईंटों का इस्तेमाल किया। अब आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि सर घर बनाने के लिए तो ईंटों का इस्तेमाल होता है, हालांकि आज ईंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ समय पहले अपने क्या है इतिहास में देखें तो पत्थरों से घर बनाए जाते थे जोड़ तोड़ कर, या फिर पेड़ की लकड़ियों से बनाए जाते थे, कच्चे घर होते थे, जबकि इनके जो मकान हैं वो पकी हुई ईंटों से बने हुए हैं, कच्चे ईंटों से नहीं हैं, पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। और ईंटें भी क्या है आज की तरह आधुनिक माप वाली हुआ करती थी, यानी ईंट की शेप जो आज आप देखते हो वही उसी प्रकार की शेप जो है ईंट की उस समय उन्होंने तैयार कर रखी थी। ठीक है, ईंट की शेप के बारे में बात करें तो अलग अलग प्रकार की माप की ईंटें मिलती हैं, जैसे 5x5x2 2.5x3। ठीक है, अलग अलग माप की ईंटें मिलती हैं, कुछ बड़ी आकार की हैं 11x5x8 वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, जैसे ये 2.5 हो गया, ठीक है, ये 5.5 हो गया, और इसकी हाइट कितनी दे दी इन्होंने 2.5, और ये इस टाइप वाली विध कितनी दे दी 2.75। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो लंबाई है ये तो हो गई 5.5। ठीक है, इसकी जो हाइट दे दी गई है वो कितनी दे दी गई 2.25, और इसकी ये जो विध है ये कितनी दे दी गई 2.75। ठीक है, अलग अलग माप की ईंटें मिलती हैं, लेकिन डिज़ाइन जो है या इस प्रकार का जो अपने आधुनिक ईंटों को देखते हैं वैसी।
और इन पक्की ईंटों के द्वारा इन्होंने अपने घर बनाए थे। अब घरों के प्रकार देखिए, यहाँ पर दोनों प्रकार के घर मिलते हैं, एक मंजिला इमारत भी मिलती है और द्विमंजिला इमारत भी मिलती है। अधिकांशतः द्विमंजिला इमारत थी, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग क्या थे, धनिक लोग थे या व्यापारिक लोग थे, ठीक है, बड़े व्यापारी यहाँ पर रहा करते थे शहरों के अंदर, तो अधिकांशतः क्या है, बड़े द्विमंजिला मकान ही मिले हैं। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए अवश्य बात है सीढ़ियाँ लगती थी, लिफ्ट वाला सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया था। सीढ़ियाँ काठ लकड़ी की, लकड़ी की या पत्थर की बनाई जाती थी ईंटों से, ठीक है, ईंटों की। अब यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा मकान मिला है उसकी माप देख लीजिए आप, 30x27 का मिला है। 30x27 का जो मकान है वो सबसे छोटा है। अधिकांशतः मकान क्या होते थे, इनके दुगने होते थे, यानी ये इतने बड़े बड़े मकान यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है। यहाँ बीच में इन्होंने घर बनाए हुए थे सड़कों के। घरों की दूसरी खासियत, घरों की जो खिड़की होती थी या दरवाजे होते थे वो क्या है, मुख्य सड़क या सहायक सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। घरों के खिड़की और दरवाजे सहायक सड़कों या मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, इसके बजाय गलियों के अंदर वो क्या है, खिड़की दरवाजे खुला करते थे। यानी ये लोग अपने प्राइवेसी को ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक है, मुख्य सड़कों को की तरफ ओपन कर नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक रहता है, यातायात ज़्यादा रहता है, तो घर की जो शांति है उसमें विघ्न आ सकता है। इसी प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है, खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खोले। एक आध जगह ऐसा मिल सकता है कि खिड़की और दरवाजे क्या है, मुख्य सड़क की तरफ हो, क्योंकि अपवाद हर जगह हो सकता है, इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे बनाए हुए हों, ठीक है। एक दो स्थान ऐसे मिल जाते हैं, अपने पढ़ेंगे आगे उन स्थानों के बारे में भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें भी मिली हैं। अब देखिए, ये जब घर बनाते थे तो एक स्ट्रक्चर तो बनेगा ही घर का, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा घर बनाया इन्होंने, तो ये जो दीवार है उसमें छेद रख कर क्या करते थे, उनमें सहतीर डाल देते थे, ठीक है, सहतीर डालकर छत को, और फिर बलियां डालकर क्या है, छत मजबूत कर देते थे, उसके ऊपर चटाई डालकर उस पर मिट्टी या अन्य चीज़ों का लेप जो है, कंकड़ पत्थर मिलाकर उसको पक्का कर देते थे, और उसके बाद ऊपर की इमारत का निर्माण करते थे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर द्विमंजिला मकान होगा तो उसमें दोनों प्रकार के क्या हैं, दोनों छत जो होंगी वो मजबूत बनानी होंगी, ठीक है। तो घरों की मजबूती का ध्यान भी इन्होंने पूरा रखा था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो छोटे मकान थे उनकी नींव क्या थी, कम गहराई तक, और जो बड़े मकान थे उनकी नींव क्या होगी, ज़्यादा गहराई तक, ठीक है। यानी सिर्फ नगर को नहीं, मकानों को भी क्या है, पूरे प्लानिंग के तहत इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट कि कमरों की जो दीवारें होती थी उनमें क्या है, इन्होंने अलमारियां बनाई हुई थी। जैसे आजकल होता है कमरों की दीवारों में अलमारियां बना के रखते हैं, क्योंकि जो अपने हाउस होल्ड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं उनको रखना होता है अपने, ठीक है। अधिकांश मकानों के जो दरवाजे होते थे वो 3 से 4 फीट चौड़े होते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मकान सिर्फ पक्की ईंट से बनाया गया है तो उनको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा, प्लास्टर किया जाता था, पूरे के पूरे मकान को प्लास्टर किया जाता था, शायद जिप्सम की सहायता लेते थे, जिप्सम और चूने की सहायता लेते थे, ठीक है। मकान जो है वो धनिक लोगों के थे, ठीक है, गारा मिट्टी चूना वगैरह मिलाकर इनको पक्का किया जाता था ईंटों को जोड़ने के लिए, ठीक है। सभी घरों में एक भाग होता था आंगन, उसके चारों ओर कमरे बने होते थे, आंगन के एक तरफ रसोई होती थी, दरवाज़ा जहां है उसके पास जो वॉशरूम है
या बाथरूम वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, और वहीं उसके आसपास कुआं भी रखा जाता था। यानी आंगन मुख्य भाग है, उस आंगन के चारों ओर रूम बनाए गए हैं, उस रूम और उन रूम के एक तरफ क्या है रसोई घर बनाया गया है, दरवाजे की तरफ क्या है वॉशरूम वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। यह एक साधारण स्ट्रक्चर है, आमतौर पर इस सभ्यता में ऐसे ही घर मिले हैं या उस समय के रहने वाले लोगों के जो घर मिले हैं वो इसी प्रकार के मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अपने इस सभ्यता के जो मुख्य इमारतें हैं, जैसे इस सभ्यता की मुख्य इमारतें जैसे एक बड़ा स्नानागार मिला है, एक भंडागार मिला है, भंडागार मतलब अनाज का गोदाम, अनाज का गोदाम, ठीक है, अनाज पीसने के जो व्यवस्था की गई थी वो, ठीक है, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनको कहाँ पर व्यवस्थित कर रखते थे, या यहाँ पर जो किले मिले हैं उनकी संरचना कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए अपनी क्या है, मैं पीछे वाली कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए और जिनको समझ नहीं आई थी उनको समझ आ जाए। पहली चीज़ हमने उस सभ्यता के बारे में पढ़ी थी वो क्या थी कि 1921 जो सिद्धांतिक रूप से या अच्छे रूप से शुद्ध होने शुरू हुए थे 1921 में दयाराम साहनी मुख्य भूमिका किसकी रहेगी, जॉन मार्शल, जिसने इस सभ्यता के बारे में भारत को बताया। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, हड़प्पा की, कहाँ पर है, मोंटगोमरी स्थान है, ठीक है, पंजाब के प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और लरकाना जिले के अंदर किसकी खोज की गई, मोहनजोदड़ो, ठीक है, यह है तो इनकी खोजबीन शुरू हुई है। उसके बारे में फैलाव क्या है, इसका फैलाव के लिए देखिए सुतक गिंडोर सबसे पश्चिमी भाग का जो स्थान है वो कौन सा है, सुतक गिंडोर जो अरब सागर के करीब है, इधर आलमगीर कहाँ पर, मेरठ के अंदर, इधर मांडा कश्मीर, इधर दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, यह इसका फैलाव था। जैसा कि मैं उस दिन बता चुका हूँ त्रिभुजाकार आकृति थी, ठीक है, यानी त्रिभुजाकार आकृति में यह सभ्यता फैली हुई थी, यह बताया गया था उस वीडियो में, ठीक है, या इसके अलावा बहुत सी चीज़ें बताई थी लेकिन रिपीट करते टाइम अपने मेजरली चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, सभ्यता को बसाया किसने, तीन बातों को पढ़ा था, मिश्रित जातियाँ थी या फिर द्राविड़ थी या भूमध्य सागरीय बोल सकते हैं या फिर आर्य थे, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का इम्पोर्टेंट रोल माना गया है सभ्यता के अंदर बसाने के लिए, ठीक है, लेकिन इस बात पे क्या है मतभेद जारी है। मुख्य रूप से किसको माना जाता है, द्रविड़ लोगों को ही माना जाता है इस सभ्यता को बसाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः जो कंकाल मिले हैं उनके आधार पर। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि जल व्यवस्था की गई थी, सड़कें बिल्कुल प्लानिंग के तहत बनाई गई थी, जल निकास व्यवस्था भी क्या है इनकी एडवांस थी, और इसके अलावा इनके जो मकान बनाए हुए थे उनकी संरचना कैसी थी, स्ट्रक्चर्स कैसे थे, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी की जो मुख्य इमारतें रह जाती हैं इसकी उनके बारे में अपने पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, इनके व्यापार, इनके जो पूजा या धार्मिक विश्वास हैं उन सब चीज़ों को के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे होम स्टे सेफ।